कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती निकल चुकी है और इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया, कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि इसमें जो आप बैठेंगे वो सीईटी की कट ऑफ के आधार पर बैठेंगे, तो ये कट ऑफ कब जारी होगी इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं आपका दोस्त नितेश। कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती निकली है, इसमें दो तरीके के पद हैं, 5190 तो आपके हैं कनिष्ठ लेखाकार के, ठीक है ना, और तहसील राजस्व लेखाकार के हैं आपके 198 पद, और इसके 27 जून से आवेदन भरना शुरू होंगे और 26 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। ये डिटेल मैंने आपको बता दिया था, ग्रेजुएट मांगा था प्लस कंप्यूटर मांगा था, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसमें बैठेगा कौन, तो इसमें वो सभी बंदे बैठेंगे जिसने भी सीईटी एग्जाम दिया था। लास्ट जो सीईटी एग्जाम है कंबाइंड आपका एफिशिएंसी टेस्ट था जो आपने दिया था, उसमें जितने भी लोग बैठे थे सब इसमें बैठेंगे, सब इसके आवेदन भर सकते हैं। अब बात आ रही है इसकी कट ऑफ की, तो इसकी कट ऑफ अभी जारी नहीं की गई है, इसका मतलब तो यही है कि जितने भी बंदे सीईटी 2022 में बैठे थे वो सभी इसमें अपीयर होंगे। जब आवेदन भर जाएंगे इसके बाद कट ऑफ जारी होगी। कट ऑफ कितनी जारी होगी, जितनी वैकेंसी है आपकी उसका 15 गुना कट ऑफ जारी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी वैकेंसी एक लमसम में लेते हैं 5000 वैकेंसी है, तो इसका 15 गुना आपकी कट ऑफ जारी होगी, तो यानी कि 15 × 5 = 75, तो 75,000 स्टूडेंट्स जो सीईटी में बैठे वो बैठ पाएंगे। लेकिन खाली सीईटी में बैठने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जो आपकी योग्यता है कंप्यूटर प्लस ग्रेजुएशन, अगर आप ये योग्यता पूरी करते हैं और सीईटी में आप बैठे हैं तो आप इसमें शामिल हो पाएंगे, क्लियर है। एक लाइन बताऊं कि सीईटी वाली कट ऑफ कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में बैठने के लिए आवेदन भरने के बाद जारी होगी और 15 गुना अभ्यर्थियों की जारी होगी पदों के 15 गुना, क्लियर हो गया। अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इस मामले में ये भी नोटिस जारी किया गया, क्योंकि ये बड़ा अच्छा नोटिस है और ये जस्ट जारी हुआ है, तो ये दोनों चीजें थी, मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, कोई क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बताने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।